होमगार्ड्स की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदलने जा रही है। सेवा नियमों के अभाव में होमगार्ड में रुकी हुई नियमित भर्तियां अब 58 साल बाद शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार होमगार्ड्स के अधीनस्थ कर्मचारियों अधिकारियों के सेवा भर्ती नियम बनाने जा रहे हैं। होमगार्ड सर्विस रूल्स को मुख्यमंत्री की मुहर के बाद होमगार्ड भर्ती नियम लागू हो जाएंगे। 58 साल बाद शुरू होने जा रही होमगार्ड में रुकी नियमित भर्तियां। होमगार्ड में अब तक 1972 में गृह विभाग के आदेश से भर्ती और पदोन्नति की जाती रही। कांस्टेबल से कंपनी कमांडर तक की भर्ती गृह विभाग से आदेश के तहत की जाती रही। होमगार्ड के नए रूल्स में किए गए प्रावधानों से एक्स सर्विसमैन को फायदा मिलेगा। अलग अलग पदों के लिए सेना के अलग अलग रैंक के रिटायर्ड जवानों को प्राथमिकता दी गई। कंपनी कमांडर के पद 100% प्रमोशन से भरे जाएंगे। प्लाटून कमांडर के पद पर 5 साल का अनुभव जरूरी होगा। प्लाटून कमांडर के 50% पद सीधी भर्ती और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। होमगार्ड एमटी के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के पदों पर पदोन्नति और भर्ती के नियम बनाए गए। अधीनस्थ होमगार्ड कर्मचारी अधिकारियों की सेवाएं। प्रदेश में होमगार्ड के 32,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सरकार की ओर से इसके लिए कार्य योजना तैयार की गई है। अब होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में 20% महिलाओं को मौका दिया जाएगा। होमगार्ड विभाग योग्य महिला और पुरुषों की भर्ती करने जा रहा है। हर साल 7,000 पुरुष और 4,000 महिला जवानों के पद भरे जाएंगे। इसमें 20% महिलाओं की भागीदारी होगी। सरकार की ओर से 100 दिन की कल्याण संकल्प पत्र में विभाग ने पहली प्राथमिकता होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को रखी है।